सच जानकी, मेरा मूड बहुत खराब है। अगर मना करना था तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। बाद में क्यों मना किया, वो भी सबके सामने। पायल ने तो पूरा प्लान खराब कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बिंदिया, देखो ऐसा नहीं कहते। आज तक हमेशा पायल ने हमारा साथ दिया है ना। बिना बात के वो कभी पीछे नहीं हटेगी। जरूर कोई वजह है। हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो। क्या प्रॉब्लम हो सकती है जानकी, जो हमें पता ना हो। उसने कहा था कि उसने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, लेकिन अब अपने पैसे बचाने के लिए। बिंदिया, तुम गुस्से में कुछ भी बकबक किए जा रही हो, वरना तुम्हें भी पता है पायल ऐसी नहीं है। हाँ वो तो ठीक है जानकी, लेकिन हमारे सपने, तुम्हें पता है 6 महीने से सोते जागते बस मैं यही सोच रही हूँ कि वो कार कब आएगी। यहाँ तक मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि मैं वो, आई मीन हम सब वो कार लेने वाले हैं। पता नहीं मैं उन सबको कैसे फेस करूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बस। बिंदिया देखो, अब तुम बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो। बिना वजह जाने इतना गुस्सा गलत है। लेकिन जानकी। बिंदिया अब तुम मेरी बात सुनोगी। अब हम पायल के पास चलेंगे, उसी से बात करेंगे। हो सकता है उसके इस फैसले के पीछे कोई सही वजह हो। बिंदिया। जानकी तुम जाओ, मुझे पायल से कुछ बात नहीं करनी है। सुनंदा, तुम भी वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रही थी। हाँ मिठीबा, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। समझ में तो मुझे भी नहीं आई। वैसे तो हमेशा हर फैसले में तीनों बहुरानियां एक साथ रहती है, पर आज। लेकिन मिठीबा, घर में एक गाड़ी तो है, फिर ये दूसरी गाड़ी किस लिए, वो भी इतनी महंगी। ये तो फिजूल खर्ची है ना माँ। हाँ सुनंदा, इंसान को हमेशा आमदनी देखकर ही खर्चा करना चाहिए। पैर उतने ही फैलाओ जितनी चद्दर हो। सब कुछ समझते हुए भी बहुरानियों की जिद। ऐसी ना समझी तो महारानियों को ही शोभा देती है। लेकिन मीठी बा, अगर बहुरानियों ने कुछ पैसे जमा किए हैं तो वो कोई जरूरी काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं तो पूरी तरह पायल की बातों से सहमत हूँ। बच्चे हैं, नई गाड़ी देखकर मन मचल गया होगा। नहीं मीठी बा, ये अपनी बहुरानियां है ना, इतनी नादान भी नहीं है। अब बिंदिया की जिद मैं समझ सकती हूँ। उसको तो शूटिंग के लिए बाहर आना जाना होता है, तो वो नई कार के लिए सोचे वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन ये जानकी, जानकी इनकी जिद में कैसे शामिल हो गई। पायल, तुम इस तरह से चुप चुप क्यों हो, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? यही कि तुमने पायल, यहां देखो, आज तक हम तीनों बहुरानियों ने एक दूसरे से कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाई है। इस बात को तो मानती हो ना तुम? और फिर आज इस तरह से तुम बताओ पायल, ऐसी कौन सी बात है जो आखिर तुम हमसे छुपा।
मेरा मतलब है, ऐसी कौन सी बात है जो हम नहीं जानते? प्लीज पायल बताओ। बिंदिया, जानकी, मुझे खुद इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम दोनों का साथ नहीं दे पाई। बट बिलीव मी, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और उसके बाद ही मैंने ये फैसला किया कि मैं कार के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन पायल, अगर ऐसी बात थी तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। ऐसे सबके सामने इंसल्ट कराने की क्या जरूरत थी? बिंदिया प्लीज, मैं तो खुद चाहती थी कि हमारे घर में एक नई कार आए। देख लिया कि तुम क्या चाहती हो। बिंदिया, मैं तो बस जानकी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि पहले जब हाँ की थी तो बाद में मना क्यों कर दिया? अब तुम ही बताओ, इसमें क्या गलत पूछ रही हूँ? पायल, वैसे बिंदिया की बात एकदम गलत भी नहीं है। जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम एक बार हां कहने के बाद पीछे हटने वालों में से नहीं हो। तो फिर एन वक्त पर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम हमसे शेयर नहीं कर पा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पायल। प्लीज जानकी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। आज सुबह हाँ करने के बाद इतने से टाइम में ऐसा क्या हो गया? बताओ पायल प्लीज। आई एम सॉरी जानकी, मुझे तुम दोनों को सुबह ही मना कर देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम लोगों से कह नहीं पाई। ये बात तो फाइनल है कि मैं कार के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे उन पैसों की कहीं और जरूरत है। मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, मोरनी बागा माँ बोले आधी रात माँ, छनन छन चूड़िया खनक गई, देख साहेबा चूड़िया खनक गई। भावना, इन कोयल से कहो क्या आज भी इन्होंने नेल पॉलिश लगाई है इम्पोर्टेड, मेरी तरह जो मिर्ची पीसने में मेरी मदद नहीं कर रही है। भावना, मुझे है ना किसी भी बड़े लोगों के काम में हाथ डालना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर चाहे वो कोकी हो या फिर उसके डैडी जी। और अचार बनाने के बाद जिस काम से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है ना, वो है मिर्ची पीसना। कोकिला तो इस चीज में माहिर है भाई। पते की बात की भाभी आपने, अरे इसीलिए तो कांति भाई ने उनके ससुर का बिजनेस चुना है। और कोकी भाभी की मिर्ची पहचानने की कला तो क्या बात है। इसीलिए तो कांति भाई कोकी भाभी की सलाह लिए बगैर कोई निर्णय नहीं लेते। अरे भावना, आदमी हो या मिर्ची, कोकी की नजर से कोई नहीं बच सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल हमारी बहुरानियां हम पर भारी पड़ती जा रही हैं। जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। अरे रे, हमारे से मेरा मतलब है मेरी बहू जानकी और तुम्हारी बहू बिंदिया। कोकी, तुम्हारी बहू ने तो पैसे देने से इनकार करके तुम्हारा वट ही नीचे गिरा दिया। डोंट फील बैड है भाभी, लेकिन कोई भी बात ना हो ना,
फिर भी ताना देना आप चूकती नहीं है। और वैसे भी पायल ने कुछ गलत नहीं किया, उसकी जगह मैं होती ना तो मैंने भी पैसे देने से इनकार कर दिया होता। हमारे घर पर एक कार है तो सही, कम वैसे भी 1970 की तो गाड़ी है, इतनी बुरी हालत में है, पता नहीं म्यूजियम वाले आके कब ले जाएंगे। क्या गाड़ी है? क्या मुंह में बड़बड़ा रही हो तुम? जोर से बोलो ना, तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत? और वैसे भी उस नई कार की सबसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हारी बहू बिंदिया को ही है, शूटिंग पर जाने के लिए और वहां जाकर सब लोगों के बीच में अपना वर्ड रखने के लिए, क्यों भावना? अरे भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वाह वाह वाह। अब देखिए ना, शूटिंग में महंगी और नई गाड़ी लेकर अगर मेरी बहू जाएगी तो उसका क्या वक्त पड़ेगा, है कि नहीं भाभी? हाय हाय, कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया कर, तोते की तरह हमेशा रटा हुआ बोलती रहती है हर बात में। हा, हा, हा। दिमाग को इस्तेमाल कर सोचने के लिए, वरना जंग लग जाएगी इसमें। तुम भी बैठ, आप दोनों मेरी बहू के बारे में नहीं, आप दोनों की बहुओं के बारे में सोचो। हाय भाभी, मेरे दिमाग को काम करने पर मजबूर कर रही हैं आप, मुझे क्या सोचना है बोलिए। आप दोनों की बहुओं के पास 1,00,000 रुपए हैं, जिसे वो कार लेने की बात कर रही हैं। उनके पास 1,00,000 रुपए हैं और आप दोनों को इसके बारे में पता तक नहीं है। भाभी, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, है कि नहीं? हाँ भावना, ये 1,00,000 रुपए आखिर आए कहाँ से इन लोगों के पास? ये पैसे हैं तो हमारे बेटों के ही। हाँ तो, जो ये बहुरानियां मिलकर अपनी मर्जी से उड़ाने का सोच रही है। अब जरा दिमाग लगाकर सोचो। हाय हाय, अब इस कार का फैसला कौन करेगा? भगवान ही जाने घर में नई कार आएगी या नहीं। बिंदिया प्लीज, अरे कार आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, सो के इसमें इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मैं कार के लिए अपसेट नहीं हूँ रोहित, मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि पायल ने ऐन वक्त पे मना कर दिया, यानी सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद। बिंदिया जरूर उसकी कोई वजह रही होगी। वो जो कुछ भी हो रोहित, लेकिन मेरी उम्मीदें तो टूट गई ना। अगर आज हमने कुछ ज्यादा पैसे जोड़े होते तो पायल तो क्या, मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती, अभी तक कार भी बुक करवा ली होती। पायल ने मुझे बहुत हर्ट किया है रोहित। बिंदिया तुम तो हमेशा कहा करती थी ना कि जानकी या पायल की बातों का तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता, फिर आज क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कार की ख्वाहिश अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी बहन पायल से बढ़कर हो गई? बोलो। देखो रोहित, तुम अपने ये सीरियल के डायलॉग बंद करो और मुझे समझाने की बजाय। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझ सकता हूँ, कार की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्ही को है, इसीलिए तुम ही सबसे ज्यादा अपसेट हो, है ना? बिंदिया तुम इतनी दुखी हो जाओगी तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा रोहित, एक बात तो बताओ, अगर
पायल ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या हम वो कार कभी नहीं खरीद पाएंगे? बिंदिया, आप 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। 1.5 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। अब इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहां से होगा? कौन कंट्रीब्यूट करेगा? वाओ, क्या परफेक्ट डेली सोप की सिचुएशन है। कार खरीदने के लिए 1.5 लाख कम है, बाकी पैसे होते हुए भी कार बहुत दूर है। इस सिचुएशन को मैं अपने सीरियल में जरूर यूज करूंगा। ऑडियंस भी सोचती रहेगी कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा, कहां से पैसों का इंतजाम होगा। देख क्या रही हूं, मुझे सोचो। गोपालदास जी घीवाला के घर में। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें भी आने के लिए आज का ही दिन मिला, वापस चले जाओ। सुनाई नहीं देता क्या? ठहरो वहीं, आगे कदम नहीं बढ़ाना। जय श्री कृष्णा। गोपालदास जी, मैं आपको आपकी अमानत देने आया हूं। अमानत? अमानत नहीं, अशांति। अशांति लेकर आए हो तुम। तुम जो देने आए हो उससे तो पूरे घर में हंगामा हो जाएगा। चले जाओ भाई, चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई देखे। कोई है क्या? नंदा जी, घर में कोई है? घर में सब है और उन्होंने तुम्हारी आवाज भी सुन ली। नंदा जी, बस अब होनी को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं।